अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जितने भी मेरे भाई हों जितने भी मेरे बहन हैं। अभी हम लेके आ गए हैं पाउंड के एनालिसिस जीबीएसडी के। इस पे हमें क्या सिचुएशन दिख रही है, इस पे कल जितने मेरे भाई थे उन लोगों को बड़ा मज़ा आया, जिन्होंने इंडिकेटर यूज़ करा होगा उन्होंने बहुत इंजॉय करा है, मार्केट में बहुत रच के पैसा कमाया है। इस जीबीएसडी में भी तकरीबन दो तीन भाई थे जिन्हें मैंने पर्सनली खुद कल ट्रेड करवाई थी। तकरीबन उन्होंने पाउंड पे कल बाइंग सेलिंग पे कोई तकरीबन 100 पिप्स तो कवर करे थे ना, बाकी उसके अलावा वो इंडिकेटर पे ट्रेड्स देते। अच्छा, आज की इंडिकेटर की ट्रेड्स क्या आई है हमारे पास? मार्केट ने यहाँ पे जो बाइंग दी थी कल की, बाइंग भी आप देख सकते हैं, तकरीबन 50 पिप की बाइंग दी इंडिकेटर ने। उसके बाद फिर यहाँ से सेलिंग दी, सेलिंग का भी टारगेट तकरीबन कोई 30-35 पिप का सेलिंग का एक दफा टारगेट हुआ, उसके बाद दोबारा सेलिंग दी थी इंडिकेटर ने। तो इंडिकेटर ने जो आज ट्रेड देनी थी इंडिकेटर ने तकरीबन आज की ट्रेड दे दी है। अगर ये यहाँ पे कोई कैंडल फॉर्मेशन दिखाता है दोनों एरियाज में तो भी वहां से फिर आप दोबारा ट्रेड ले सकते हैं। आज का तो इस इंडिकेटर ने टारगेट पूरा कर दिया है। अच्छा, सिचुएशन क्या आ रही है जीबीयूएसडी की? जीबीयूएसडी की सिचुएशन ये आ रही है हमारे पास, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं हम। यहाँ पे एक पॉसिबल एक ट्रेंड लाइन बन रही है, बाइंग में एंटर हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तो यहाँ से भी आप एक सेल ले सकते हैं, सही है। और यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद जब दोबारा टेस्टिंग आ रही हो तो आप उस टेस्टिंग पे भी सेल ले सकते हैं, और वो सेलिंग का आपका टारगेट इस लो तक का होगा। तकरीबन यहाँ से कोई कितने पिप्स की आपकी सेल होनी है? तकरीबन 160 पिप की सेल होनी है आपकी यहाँ से। तो ये अगर ये लेवल ब्रेक कर जाता है तो यहाँ से आपको एक सेल मिल सकती है बड़ी। और इसके अलावा जो है बाइंग की सिचुएशन है, बिल्कुल आ रही है बाइंग की सिचुएशन इसमें, लेकिन अभी डॉलर काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है और इसका मेन ट्रेंड जो है फिलवक्त अभी सेलिंग में ही चल रहा है, तो हम ये फिलवक्त सेलिंग में ही देखेंगे जिस साइड मेन ट्रेंड चल रहा है इसका। क्योंकि प्रीवियसली इसका पाउंड का काफी टाइम पहले, तकरीबन 4-6 महीने पहले फुल बुलिश चल रहा था, तो बुलिश देख रहे थे, अब यहाँ पे बियरिश एंटर हुआ है तो अब बियरिश देखेंगे। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जैसे ट्रेंड जा रहा है आप ट्रेंड के साथ चलते रहे तो आप हमेशा प्रॉफिट करेंगे। तो ये कुछ पाउंड की ट्रेड्स थी आपके सामने, ये एरियाज हैं, एक ये वाला एरिया है और एक दूसरा ये वाला एरिया है। यहाँ पे बाइंग सेलिंग की रेंज में आप अच्छा कमा सकते हैं, 20-40 पे 50 पे इसके बीच में रेंजिंग में करें, 20-20 पे का एसएल रखें और इस तरीके से काम करें, इंशाल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, सही मसले वाली बात नहीं है। और भाई कोई भी भाई मार्केट क्लब में आना चाह रहा है, किसी भी चीज़ में आना चाह रहा है, मुझे आप कॉल करें रात 9 से रात 10 बजे के दरमियान, सही है, आपका भाई आप लोग के लिए हाजिर है। और कोई भी सवाल हो, ट्रेडिंग नहीं आती है, ट्रेडिंग सीखनी हो, और मैं आपको ये बताऊं, अकाउंट मैनेजमेंट के झंझट से बचें, खुद ट्रेड करें अपने अकाउंट पे, आपका भाई आपको गाइड करने के लिए आपको प्रॉफिट के हर तरीके कार बता देगा, किस तरीके से क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन अकाउंट अपना किसी को ना दें, अपना अकाउंट अपने हाथ में रखें, अकाउंट मैनेजर से भागें, अपना पैसा अपने हाथ रख के कमाएं। मैं इंशाल्लाह गारंटी देता हूँ उन अकाउंट मैनेजर वो आपके पास खुद आएंगे अपना फंड लेके, लेकिन ऐसा आपको लेना नहीं है किसी से किसी का फंड, अपने पैसों पे अपना काम करें, सही है, किसी से पैसे नहीं लें। शुक्रिया, और किसी का कोई भी सवाल हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।